बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ज़माने में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया। इससे पूछा गया कि इस्लाम की किस बात ने तुझे मुतासर किया? वो बोला, सिर्फ एक वाक़या मेरी हिदायत का सबब बन गया। कहा, मजलिस रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी हुई थी, लोगों का हुजूम था। एक आदमी ने अर्ज़ की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ करें, मेरा बच्चा कई दिनों से मिल नहीं रहा, कि वो मिल जाए। कबल इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते, एक आदमी मजलस में मौजूद था, खड़ा हो गया और बोला, हुजूर मैं अभी फलां बाग से गुज़र कर आया हूँ। इस आदमी का बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। बाप ने जब सुना कि मेरा बच्चा फलां बाग में है, उसने दौड़ लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इसको रोको, इसको वापस बुलाओ। इसने कहा, हुजूर आप जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। कहा, अच्छी तरह आगाह हूँ, लेकिन तुम्हें वापस बुलाया और बुलाने का भी एक मकसद है। इसने कहा, जी हुजूर इरशाद फरमाइए। जब तुम बाग में जाओ तो बच्चों के साथ अपने बच्चों को खेलता हुआ देख लो तो बेटा बेटा कहकर आवाज़ें मत देना, जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। इस आदमी ने कहा, हुजूर वो मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कह कर बुलाऊँ तो क्या हर्ज है? कई दिनों से बिछड़े हुए हैं, तुम्हारे लहजे में बला का दर्द होगा। तुम नहीं जानते खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम भी होगा, और जब अपने बच्चों को बेटा कह कर पुकारोगे इतना मीठा लहजा होगा तो इस यतीम के दिल पर चोट लगेगी और कहेगा, काश आज मेरा बाप होता, मुझे बेटा कह कर पुकारता। फरमाया, ये शौक घर जाकर पूरा करना, मगर बच्चों के सामने ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार मत करना, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश मत करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, अपनी गोश्त की खुशबू से अपने हमसाये को तंग मत करना। इमाम तिब्रानी ने इस हदीस पाक को नकल किया है। फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिद की हितात में अल्लाह ताला की हितात है, वालदेन की नाफरमानी अल्लाह ताला की नाफरमानी है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्न सलूक करने वाली औलाद जब भी मोहब्बत की नज़र से वालदेन को देखे तो हर नज़र के बदले अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब लिख देता है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई अपने वालदेन की ज़ियारत दिन में 100 मरतबा करे तो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, नहायत ही तकद्दस वाला है।